तो भाई अब जो है तिरुचिरापल्ली से मैं आ गया हूँ, वहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर तंजावुर जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भगवान शिव का बृहदेश्वर जो मंदिर है वो यहाँ पर स्थित है। और ये मेरी यहाँ पर दूसरी ट्रिप है, बट क्योंकि अब मैं कोयम्बटूर छोड़ के जा रहा हूँ तो मुझे लगा कि भगवान भोलेनाथ के जो है यहाँ पर जो है इस साइट पर जो है बृहदेश्वर जो मंदिर है इसकी यूनेस्को तंजावुर पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पर मैं जो अपना जो है हाथ जोड़ करके इसका दर्शन करके फिर यहाँ से निकलता हूँ। तो ये आप देखिए एंट्री तंजावुर शिव टेम्पल जो है भगवान बृहदेश्वर का, और इसके बारे में आप ये समझ लीजिए कि राष्ट्र की अमूल्य धरोहर में से एक है ये भगवान शिव का बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर। कभी आप तमिलनाडु आते हैं तिरुचिरापल्ली है, तिरुचिरापल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर पे जो है मंदिर है और ये जगह तंजावुर। और अभी आपको और अंदर से आप दिखाऊंगा। दो दिन बाद मैं कोयम्बटूर छोड़ के जा रहा हूँ तो यहाँ आए बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। जब से स्कूल में मैंने पढ़ा था इस मंदिर के बारे में तब से मेरी इच्छा थी। तो मार्च 2022 में जब मैं यहाँ पहली बार आया था तब मैंने सोचा था कि जाने से पहले एक बार दोबारा यहाँ जरूर आऊँगा, तो फिर मैं आज इसलिए यहाँ पर आया हूँ। आप देखिए बहुत कुछ दिया है मुझे इस कोयम्बटूर की पोस्टिंग ने, बहुत कुछ, बहुत अच्छी यादें, बहुत सारे मंदिरों को, अपने कल्चर को, हेरिटेज को देखने को, जानने का मुझे जो है मौका मिला। उसके लिए मैं अपने आप को बहुत इतना ब्लेस्ड और लकी मानता हूँ। यस, तो ये लाइन है यहाँ से अंदर जा रहे हैं। आई थिंक अभी जूते भी तो उतारना टाइम तो भाइयों ये हम आगे हैं जो मेन विमाना जिसे कहते हैं इस मंदिर का, बृहदेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव का। और आप ये देखिए इसका प्रांगण, तंजावुर शिवा टेम्पल वर्ल्ड फेमस, पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ आता है इसे देखने के लिए। तिरुचिरापल्ली से 55 से 60 किलोमीटर दूर तो ये पूरा जो मंदिर विमाना, इट इज इन द शेप ऑफ अ लाइंग मैन यू कैन सी। अभी आपको चैरेट की तरह दिख रहा है और साइड से आप देखेंगे लिखता है लाइक अ लाइन, लाइक अ लाइंग मैन, उस तरफ उसका हेड है और इस तरफ मेन बॉडी और इस तरफ उसके पाँव, उस तरह से जो है ये मंदिर को जो है डिजाइन किया गया था। साइड से आपको और क्लियर समझ में आएगा, ये है तंजावुर शिव टेम्पल। तो विशाल नंदी यहाँ विराजमान है, आप देख सकते हैं बृहदेश्वर स्वामी यानी भगवान शिव उनके मंदिर के सामने। ये है विशाल नंदी भगवान, नंदी महाराज, और ये जो आप यहाँ चलेंगे तो ये जो है मंदिर की एंट्री है। तो भाई वो दर्शन हो गए भगवान भोलेनाथ के बृहदेश्वर में, बृहदेश्वर स्वामी के तंजावुर में। और अब मंदिर से बाहर आ रहा हूँ क्योंकि अंदर तो मोबाइल अलाउड होता नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो गए तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोयम्बटूर जाने से पहले जो सोचा था कि बृहदेश्वर स्वामी के जो दर्शन जो है मैं करके जाऊँगा तो वह कर पाया, तो उसके लिए मैं भगवान का जो है ना
बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और ऋणी रहूँगा इसके हमेशा भगवान का, ऋणी तो हमेशा ही रहते हैं।